नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं विनय सिंह तेजस आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और आज करंट अफेयर्स के जो मेजर टॉपिक है उस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में करंट अफेयर हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कितना इम्पोर्टेंस रखता है, उसकी अहमियत धीरे धीरे हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तब उसको समझ में आता है। और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स का जो लॉ ऑफ कनेक्टिविटी है, वह कनेक्टिविटी जब तक आएगा नहीं तब तक आप कोई भी एग्जाम पढ़ के रट के नहीं कर सकते हैं। इसलिए कुछ चीजें आज समझने की कोशिश करते हैं। और ध्यान देना, हमारा यूपीएससी सीएससी 2022 का जो फाउंडेशन है वो 15 जून 2021 से शुरू हो रहा, रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग समझदार हैं और इन चीजों को अच्छे तरीके से सोचेंगे। ऑलरेडी मैथमेटिक्स फॉर ऑल हमारे क्लासेस चल रहे हैं, जिसमें अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो सहर्ष स्वागत है और ले सकता है। इसी के साथ जो करंट अफेयर्स जो हमारा डेली रूटीन होता है उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग देखेंगे कि डिटेल न्यूज एनालिसिस और आरएनए और डीएनए मैं आपको लेके आते हूं, जबकि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज एनालिसिस है जो हमारे आदित्य सर जो लेकर आते हैं और आप लोगों के सामने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उसका डिस्कशन करते हैं। इसी के साथ आज जो हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो है एशियाई डेवलपमेंट बैंक एडीबी, दूसरा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी, तीसरा है देविका नदी परियोजना, और उसके बाद वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स रिपोर्ट। ये हम इस पे आज चर्चा, इस चार न्यूज पे हम लोग चर्चा करेंगे और अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इसके अंदर और किस तरीके से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो आपको मैं बता दूं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर हम लोग इंट्रोडक्शंस की बात करते हैं तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो आपको पता भी होगा कि एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसकी स्थापना ध्यान देना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास को काफी डेवलप करने के लिए बनाया गया था। और एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो मनीला फिलीपींस में है। इस बैंक की जब स्थापना किया गया था, बैंक की स्थापना में 31 सदस्यों के साथ हुई थी, हालांकि वर्तमान में इसका जो एडीबी के 68 मेंबर्स हो गए हैं, जिसमें 49 एशियाई कंट्री हैं और पैसिफिक से 29 सदस्य बाहरी के हैं। तो आप ध्यान देना, आज के डेट में 68 कंट्री जो है ये एडीबी के मेंबर्स हैं। एडीबी का प्रारूप काफी हद तक विश्व बैंक के आधार पर ही तैयार किया गया था, बनाया गया था, और विश्व बैंक के समान ही ये वोटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होती है, वोटों के द्वारा सदस्य देशों के पूंजी अभिदान के अनुपात के आधार पर किया जाता है। वहां जो डोनेशन रेशियो के आधार पर यहां क्या होता है कि उसी रेशियो से उनकी हायरार्की बनती है। तो ध्यान देना, एडीबी के विषय में ये 19 दिसंबर 1966 में इसका बना था। और यही नहीं, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और फिलीपींस की राजधानी मनीला में ही है। और जब ये स्थापना हुआ था तो 31 देश इसमें थे, आज के डेट में 61 देश हैं और आज के डेट में 68 देश हैं। और यही नहीं, आपको मैं बता दूं कि यह पूरा स्ट्रक्चर जो है वो वर्ल्ड बैंक के अनुसार ही बनाया गया है। अब हम लोग देखते हैं, ये फिलीपींस है और फिलीपींस की जो राजधानी है आप देख लें, ये मनीला, और इसी मनीला में क्या है कि ये एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो रीजनल मेंबर्स जो हैं 49 है और नॉन रीजनल मेंबर्स जो हैं आप देख सकते हैं, एडीबी के जो रीजनल मेंबर्स हैं जो वो 49 है और नॉन रीजनल नंबर मेंबर्स जो हैं वो 19 है। तो इस तरीके से इस मैप के द्वारा ये आप ब्लू कलर देख सकते हो, ये नॉन रीजनल है, और ये वाले जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं ये एशियाई बैंक के ये मेंबर्स है, ये उनकी लिस्ट है। अब उसके बाद कहते हैं कि ये एशियाई विकास बैंक जो है, डीबी जो है,
एशियन डेवलपमेंट आउटलुक एडीओ, एशियाई जो विकास है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक एडीओ एशियाई डेवलपमेंट बैंक के द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट एशियाई विकास बैंकों के द्वारा अपने विकासशील सदस्य देशों के लिए जारी किया जाता है। तो एडीओ जो है हर साल जो हमारे एशिया में विकासशील देश है उनके रिपोर्ट को जारी करता है। और इसी के अनुसार आप देख सकते हैं कि एडीबी जो है वो अभी रिसेंट में हुआ क्या था कि एशियाई विकास बैंक जो है और भारत ने सिक्किम में ये जो कहा जाता है कि सड़क को बनाने की तैयारी में इसका सहयोग देने के लिए समझौता किया है, यानी एडीबी और भारत के सिक्किम राज्य में सड़क परिवहन को प्रॉपर सुदृढ़ करने के लिए एक समझौता हुआ है। एडीबी और भारत सरकार ने हाल में ही सिक्किम के प्रमुख जिलों सड़कों को काफी हाईली क्या है कि इनरीच करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया है और उसका डिजाइन किया है, और उसी आधार पर क्या है कि 5 मिलियन डॉलर की परियोजना की तैयारी जो होगा एडीबी के द्वारा किया जाएगा, और एडीबी 2.5 मिलियन डॉलर एडीबी जो है वो सिक्किम के में इंटरनल पार्ट में डिस्ट्रिक्ट रोड को डेवलपमेंट करने में सहयोग करेगा, सहायता देगा। इससे पूर्वोत्तर राज्य में महत्वपूर्ण कस्बों यानी पूर्वोत्तर जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं जिसमें मेजर जो कस्बे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों, तीर्थ और पर्यटन के स्थलों को कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, यानी नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म और अदर एक्टिविटीज को बढ़ाने में काफी सहायता प्रदान होगा। सिक्किम के सड़क जो है वो ध्यान देना सीजनल है, अब इसको 12 मासी सड़क यूनियन को बनाने के लिए यानी उनके सड़क 12 मासी प्रॉपर वे में काम करें उस तहजीब पर ये नींव रखी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि बार बार भूस्खलन और कटाव होने के कारण क्या होता है कि लैंडस्लाइडिंग होती है और तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं जिससे कि हर साल सड़क को बनाना पड़ता था। इस राज्य के अंदर सड़क परिवहन कनेक्टिविटी बाधित हो जाती है जिससे वहां की इंटरनल कनेक्टिविटी काफी दिक्कतें आती थी। एडीबी अत्यधिक गरीबी को मिटाने में अपने प्रयासों को जारी रखते हुए एक समृद्ध और समावेशी सुदृढ़ टिकाऊ एशिया और प्रशांत और क्षेत्रों को सुनिश्चित करने के लिए यानी उसका डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने के लिए ये प्रतिबद्ध है। कहने का मतलब होता है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, काफी प्रॉस्परस करने के लिए और उसको काफी ये सस्टेबल करने के लिए ये क्या होता है कि हमारे एडीबी जो होता है ये एशिया के जो मेंबर्स जो उसके मेंबर्स हैं उन देशों में ये इस तरह का सहयोग देता है ताकि वहां प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके, और जितना ज्यादा डेवलपमेंट हो गए लोग खुशहाल होगा, लोगों में सामाजिकता और समरसता बढ़ेगी जिससे विभिन्न तरह की समस्याओं से निदान मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं अभी कोविड की। ध्यान देना कोविड की जो चर्चा हो रही थी उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की बात करते हैं, तो आज हम लोग देखेंगे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है क्या, यह कोविड के उपचार में किस तरीके से फायदा करता है, और वैसे भी मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज है वो बेसिकली होता क्या है और यह किस तरीके से हमारे शरीर के लिए प्रतिरक्षा का काम करता है। इसी के साथ देख लें कि एंटीबॉडीज जो आप देख रहे हैं एंटीबॉडीज हमारे शरीर के अंदर स्वस्थ शरीर में एक जनरेट होता है, स्वतः जनरेट होता है, जो हमारे जो दिकुओं जो होते हैं बाहर से जो अटैक करते हैं जो भी जीवाणु विषाणु जो भी हमारे बैक्टीरिया और इस तरीके से जो हमारे शरीर को क्या कष्ट पहुंचाते हैं या हमारे शरीर में तकलीफ लाते हैं या हमारे शरीर में डिजीज उत्पन्न करते हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए एक स्वस्थ शरीर में उन से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, और उसी एंटीबॉडीज के निर्माण में एक थेरेपी है जिसको हम लोग कहते हैं मोनोक्लोनल थेरेपी। और ये मोनोक्लोनल थेरेपी जो है वो आप ध्यान देना इस मोनोक्लोनल थेरेपी की अगर हम बात कर लें तो उसमें 2-3 चीजें बातें हम लोगों को समझना होगा। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं एक स्वस्थ शरीर में जो इसके प्रतिरक्षा के लिए
जो हमारे शरीर को काफी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और उसको प्रोटेक्शन देने के लिए एंटीबॉडी बनाने में सक्षम होती है। वो पूरी तरीके से हमारी बॉडी जो होती है नेचुरल प्रोसेस में हमारी एंटीबॉडीज बनाती है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कृत्रिम रूप से बनाए गए एंटीबॉडी है जिसका उद्देश्य शरीर के प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करना, नेचुरल जो इसका प्रोटेक्शन के लिए या इसको प्रतिरक्षा के लिए यह सिस्टम को बनाने में सहायता प्रदान करती है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो होती है एक विशेष प्रकार का एंटीजन को लक्षित करते हैं, एक विशेष प्रकार का एंटीजन होता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उस व्यक्ति के शरीर से ली जाती है जो कोरोना से संक्रमण के इलाज के बाद स्वस्थ हो चुका, ध्यान देना, या उन्हीं व्यक्तियों से लिया जाता है जो कोरोना से क्या हो गया है, मतलब पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। उसके शरीर से कोरोना संक्रमण के बचने के लिए एंटीबॉडीज बनते हैं। और ध्यान देना, हमारी बॉडीज में अगर कोई भी अराजक तत्व, अगर अराजक तत्व मतलब कोई भी बाहरी जब एंट्री करता है तो हमारे शरीर जो होता है, स्वस्थ शरीर जो होता है, एंटीबॉडीज क्रिएट करता है और उसे प्रतिरक्षा करता है, उसे प्रोटेक्शन देता है। क्लियर है? उसी तरीके से जब कोरोना हमारे शरीर में एंट्री कर जाता है तो उसे प्रतिरक्षा करने के लिए एंटीबॉडीज बनते हैं। उस एंटीबॉडीज के माध्यम से लैब में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाया जाएगा। ठीक जैसा एंटीबॉडीज, जैसे अगर कोई बाहर से आया है और उसके प्रोटेक्शन के लिए एक एंटीजन जो बना है, एंटीबॉडी बनी है, मान लो इस शेप में बनी है या उसका नाम ए है, ठीक है, तो जैसे ही वह कोरोना अगर आया शरीर के अंदर में तो एंटीबॉडी जो है ए बना। अब क्या हो गया है कि अब किसी व्यक्ति से यही ए वाला एंटीबॉडी लिया जाएगा, इसको लैब में इसका प्रतिरूप तैयार किया जाएगा। क्या किया जाएगा? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तैयार किया जाएगा और संक्रमण के बाद स्वस्थ हो चुके लोगों को रक्त में लगभग एक सप्ताह के बाद ये एंटीबॉडीज बनती है। ध्यान देना, संक्रमण जब हो जाता है तो एक सप्ताह के बाद क्या होती है कि यह एंटीबॉडी बनती है। तो हमें क्या करना है कि यह एंटीबॉडीज जो है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज तैयार किया जाता है। वो किस व्यक्ति से लिया जाता है? जो कोरोना पेशेंट होता है उसी से वह क्या लिया जाता है, एंटीबॉडीज ली जाती है। क्लियर, समझ में आया? अब उसके बाद ध्यान देना, यह जो होते हैं जैसे हमारे इस तरीके के शेप हैं और इस तरह के शेप होते हैं रिसेप्टर्स हैं, और ये आप ध्यान देना कि यह एंटीबॉडीज है, ये क्या है, ये एंटीबॉडीज है। और एंटीबॉडीज में जब ये होगा तो इनका शेप एंड साइज आप देख रहे हो, जैसे ही ये क्या होते हैं कि रिसेप्टर्स जो होते हैं यह एंटीबॉडीज है और जाके इस पे चिपक गया। जैसे ही चिपक गया तो वो हमारी बॉडी को पूरी तरीके से क्या करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे। बाई चांस ये एंटीबॉडीज नहीं बनता है तो आपने कोरोना देखा होगा, तो कोरोना का जो फिगर बनाया गया उसमें बाहर से निकला हुआ ही जाके इस पे चिपक जाए, जैसे ही चिपके जाएंगे ये हमको संक्रमित कर देंगे और हम क्या हो जाएंगे, बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। तो यह एंटीबॉडी जो होती है इस तरीके से क्या होता है, रिसेप्टर्स जो होते हैं वो जाके रिसेप्ट कर लेते हैं, ये ह्यूमन सेल्स होते हैं, और यह ह्यूमन सेल्स इस तरीके से और एंटीबॉडी जिस तरीके से जाके एक दूसरे से टच कर जाते हैं। अब आप दूसरे तरीके से आप देखेंगे कि प्रयोगशाला में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो अगर हम बात करते हैं, वैसे भी हमारा प्रतिरक्षा का काम जो करता है, प्रोटेक्शंस का काम जो हमारा सेल होता है वो व्हाइट सेल होता है, तो प्रयोगशाला में श्वेत ये रक्त कोशिकाएं जो होती है व्हाइट ब्लड सेल को एक विशेष एंटीजन के संपर्क में लाने पर क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल को एक विशेष एंटीजन के, एक एंटीजन से क्या होता है, उसको संपर्क में लाया जाता है और इसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। तो ध्यान देना, ये लैब में किस तरीके से होता है, व्हाइट ब्लड सेल जो होता है WBC जो होता है, इस WBC प्लस एंटीजन, ये क्या होता है, एंटीजन, और इस एंटीजन से इसी के फलस्वरूप क्या होता है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है। ये COVID-19 के मामले में मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज तैयार करने के लिए वैज्ञानिक जो है सबसे पहले SARS-CoV-2 वायरस के स्पाइक प्रोटीन,
का उपयोग करते थे, स्पाइक प्रोटीन का उपयोग करते थे। यह स्पाइक प्रोटीन मेजबान कोशिका में वायरस के प्रवेश की सुविधा प्रदान करता है। ध्यान देना, यह स्पाइक प्रोटीन जो होता है किसी भी वायरस को हमारे शरीर में क्या करता है, हमारे शरीर में एंट्री दिलाने का काम करता है, सुविधा प्रदान करता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे WBC प्लस एंटीजन अगर इसके एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज तैयार किया जाता है, ये SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है और इस स्पाइक प्रोटीन की सहायता से क्या होता है, वायरस के प्रवेश की सुविधा मिलती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यह देखिए इस फिगर को आप अगर समझ लेंगे, यह जो आप देख रहे हैं यह पार्ट जो आप अगर आप देख रहे होंगे तो इस पार्ट को हम लोग कहते हैं, ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम लोग कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये जो है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, क्लियर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं और ये जो देख रहे हैं, यह बेसिकली एंटीजन आप सेल है। ये क्या है, ये एंटीजन आप सेल्स है, ये एंटीजन आप सेल्स है, क्लियर है। अब उसके बाद जब होता है यह, अगर हम बात करें तो सिंगल अट्रैक्ट, ध्यान देना यह जो बात अगर करा जाए, ये सिंगल अट्रैक्ट अदर सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम, जैसे ही इसको अट्रैक्ट करेगा यहां कैप पूरी तरीके से इसमें समाहित हो जाएगा और जैसे ही यह समाहित हो जाएगा यह मोनोक्लोनल, ये जो आप ध्यान देना यह जैसे ही समाहित हो जाता है, अब इसी पार्ट को हम लोग कहते हैं मोनोक्लोनल, इसको हम लोग कहते हैं मोनोक्लोनल क्लोनल एंटीबॉडी, ये इसको कहते हैं एंटीबॉडी लॉग्ड, ये होता है लॉग्ड इनटू एंटीजन, इसको हम लोग क्या कहते हैं एंटीजन, ये जो हो गया लॉग्ड हो गया। और जैसे ही ये लॉग्ड हो जाएगा अब कोई भी बाहर का एलिमेंट जो आएगा उसको बेसिकली किसी भी तरीके के क्या होगा, कोई नुकसान नहीं पहुंच पाएगा, यानी व्यक्ति संक्रमित नहीं हो पाएगा, क्लियर समझ में आ रहा। अब हम लोग देखते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का निर्माण कैसे होता है। तो उस फिगर से आप एंटीबॉडीज को अधिक मात्रा में निर्मित करने के लिए एकल श्वेत रक्त कोशिका यानी सिंगल व्हाइट ब्लड सेल का प्रतिरूप क्लोन बनाया जाता है जिसे एंटीबॉडी के समरूप प्रतियां तैयार करने में प्रयोग किया जाता है। यानी कि सिंगल डब्ल्यू बी सी को क्या करते हैं, ये इस तरीके से तैयार किया जाता है और एंटीबॉडी के समरूप इसमें काफी मात्रा में तैयार किया जाता है। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक एंटीबॉडी का आइडेंटिकल कॉपी है, ध्यान देना आइडेंटिकल कॉपी है मतलब उसका समरूप है, और एक बन गया तो फिर दूसरा आइडेंटिकली जो एक विशिष्ट एंटीजन को क्या करता है, जो उसमें एक विशिष्ट प्रकार का एंटीजन होता है। इस उपचार का उपयोग पहले इबोला और HIV जैसे संक्रमणों को करने, जो संक्रमणों को इलाज करने में किया जाए। तो ध्यान देना मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये पहली बार नहीं है, ऑलरेडी इबोला और HIV के संक्रमण को बचाने के लिए इस तरह की प्रक्रियाएं शुरू की गई थी और बहुत कारगर भी सिद्ध हुआ था। तो ध्यान देना मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सिंगल WBC लेते हैं और उसका एक क्लोन बनाया जाता है और एंटीबॉडी के समरूप काफी प्रतियां तैयार किया जाता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो होती है एक एंटीबॉडी की आइडेंटिकल कॉपी होती है जिसमें एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, एंटीजन होता है। अब आप देखेंगे यह इस तरीके से इनका बनाने का तरीका है। सबसे पहले हम बात कर लें ये माउस जो आप देख रहे हो, तो माउस में क्या कहा गया है कि माउस चैलेंज्ड विथ एंटीजन, ये माउस चैलेंज, ये जो है ये माउस चैलेंज, इसको हम लोग कहते हैं माउस चैलेंज्ड विथ एंटीजन, और इससे जो होगा स्प्लीन सेल्स, उसको कहते हैं स्प्लीन सेल्स, ये स्प्लीन सेल्स है और इसी स्प्लीन सेल से एक टेक्नोलॉजी होती है और इस
माइलोमा, ये इसको कहते हैं माइलोमा, ये हो गया माई, ये लोमा, ये माइलोमा सेल्स है, ये माइलोमा सेल्स। अब इन स्प्लीन सेल्स और माइलोमा सेल्स से क्या होता है कि इनका फ्यूजन कराया जाता है, ध्यान देना क्या किया जाता है, फ्यूजन कराया जाता है, संलयन कराया जाता है। संलयन कराने के बाद क्या होता है, हाइब्रिडोमा, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं, ध्यान देना, हाइब्रिडोमाज, हाइब्रिडोमाज होता है, जो हाइब्रिडोमाज जो होता है यही इसी का कल्चर पार्ट किया जाता है, कल्चरल पार्ट जो होता है, कल्चर इन एचएटी मीडियम, ये जो इसका कल्चर किया जाता है एचएटी मीडियम में, एचएटी मीडियम में किया जाता है, जैसे ही एचएटी मीडियम में किया जाता है सेलेक्ट फॉर पॉजिटिव सेल, और इसमें से पॉजिटिव सेल क्या होता है, इसमें ध्यान देना पॉजिटिव सेल्स जो होते हैं इससे हम लोग लेते हैं, और लेने के बाद क्या होता है इसी का हार्वेस्टिंग करते हैं, ध्यान देना यह जो होता है हार्वेस्टिंग, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, ये जो आप देख रहे हैं ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है। अब थोड़ा सा इस तरीके से समझ ले, जब हम माउस का ध्यान देना चैलेंज्ड विथ एंटीजन की बात करते हैं तो यहां स्प्लीन सेल्स लेते हैं, स्प्लीन सेल्स जो होता है ये माइलोमा सेल्स का फ्यूजन कराया जाता है, इस फ्यूजन के फलस्वरूप में आप देखेंगे कि इस फ्यूजन की जो प्रक्रिया होती है उसको हाइब्रिडोमा, उसको कहते हैं हाइब्रिडोमाज, और इसी हाइब्रिडोमाज को कल्चर इन एचएटी मीडियम में, उसको कल्चर कहते हैं किसमें, एचएटी मीडियम में, और सेलेक्ट फॉर पॉजिटिव सेल, और इसमें से पॉजिटिव सेल्स हम लोग क्या करते हैं लेते हैं, जैसे ही ये पॉजिटिव सेल ले लेंगे और उसी पॉजिटिव सेल को हम लोग कहते हैं हार्वेस्टिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इसी को कहते हैं हार्वेस्टिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। चलिए कोविड 19 के केस में अगर देखते हैं तो कोविड 19 के केस में जो कहा जाता है कि कोविड 19 से उभरने वाले अधिकांश लोग वायरस के खिलाफ एक क्या करते हैं, रक्षा परितंत्र बनाते हैं, एक क्या होता है प्रोटेक्शन, एक सिस्टम बनाते हैं, एंटीबॉडी का उत्पादन करते हैं, और अब वैज्ञानिकों ने पाया कि वे प्रयोगशाला में एंटीबॉडी का काफी उत्पादन कर सकते हैं, मतलब कि जैसे ही कोरोना वायरस हुआ उसके ठीक एक सप्ताह के बाद इस तरह के एंटीबॉडीज बनती है, और वह एंटीबॉडीज जो होती है उससे प्रोटेक्शन देने के लिए बनती है। अब इस तरीके के लैब में ही क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, और अध्ययनों के अनुसार कोविड 19 के लिए एक एंटीबॉडी कॉकटेल ट्रीटमेंट, ध्यान देना उसका नाम दिया गया है एंटीबॉडी कॉकटेल ट्रीटमेंट, हल्के से मध्यम और गंभीर बीमारी वाले मामलों को बढ़ने से रोकथाम कर सकता है, इसके लिए 70% मामलों में अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो, तो ध्यान देना जिस थेरेपी का हम लोग यूज करेंगे ट्रीटमेंट का, एंटीबॉडी कॉकटेल ट्रीटमेंट की हम लोग बात करेंगे। अब यह देखा, अब ये ट्रीटमेंट की जब बात करते हैं तो उसके लिए क्या हो गया कि कॉकटेल ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो बेंगलोरी स्थित बायोफॉर्म एक कंपनी है जिसको बायोकॉन कहते हैं, बायोकॉन ने सोराइसिस, ये ध्यान देना ये सोराइसिस नामक एक त्वचा रोग के इलाज के लिए, सोराइसिस जो होता है हमारे स्किन में एक बीमारी होती है, इलाज के लिए उन्होंने एक मेडिसिन विकसित किया था, उसको हम लोग कहते हैं इटोलोजुमैब, इटोलोजुमैब, इटोलोजुमैब विकसित किया। भारत के औषधि महानियंत्रक यानी जो ड्रग कंट्रोलर जून 2020 में इसे देश में प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग, प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत कर दिया, ध्यान देना यह आपातकालीन में ही उपयोग किया जा सकता है, एज ए जनरली यूज नहीं किया जा सकता है। जो ये इटोलोजुमैब है ये CD6 एक प्रोटीन जो टी सेल के बाहरी झिल्ली में पाया जाता है को लक्षित करता है, टी सेल एक प्रकार का स्वेक्त, ध्यान देना ये टी सेल जो है वो बेसिकली किसका पार्ट होता है, वो व्हाइट ब्लड सेल का एक पार्ट होता है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में, जो ध्यान देना हमारी बॉडी के प्रोटेक्शन में इसकी एक मेजर रोल होता है, एक मेजर रोल ये कंट्रीब्यूट करता है, कौन, टी सेल, और
इटोलिमीजुमैब जो है, ये इटोलिजुमैब है वो बेसिकली CD6 एक प्रकार का प्रोटीन जो टी सेल के बाहरी झिल्ली में पाया जाता है, उसी में टी सेल जो होता है एक प्रकार का वाइट डब्ल्यू, ये WBC है जो शरीर की प्रतिरक्षा में यानी उसके प्रोटेक्शन में काफी सहायता प्रदान करता है। उसी प्रकार आप देखेंगे कि दूसरी जो मेडिसिन है उसको हम लोग को नाम देते हैं टोसिलीजुमैब। यह जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में गठिया रोग से संबंधित है, जो गांठों पैर यानी जहां हमारे जोड़ होते हैं उसमें दर्द होना शुरू, संबंधित विकारों को इलाज के लिए FDA ये फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अनुमोदन से प्राप्त है। यह एंटीबॉडी IL-6 गतिविधियों को रोकता है और इसलिए गंभीर कोविड के लिए संभावित चिकित्सा के रूप में प्रस्तावित किया गया है। कौन? टोसिलीजुमैब। कोरोना महामारी की शुरुआत चीन और इटली के डॉक्टरों के द्वारा मरीज पर यह टोसिलीजुमैब दवा का इस्तेमाल किया गया। ध्यान देना, इस कोरोना को निजात पाने के लिए चीन ने और इटली ने इस टोसिलीजुमैब को यूटिलाइज किया है। तो ये रहा आपका मोनोक्लोनल थेरेपी। और इस तरीके से इस दवा को रोचे, ध्यान देना, इस दवा को रोचे और बाजार में एक्टेमरा ये ध्यान देना के नाम से बेचा जाता है। यह साइटोकाइन को रोक देती है जिसके इंटर ल्यूकिन 6 या IL-6 कहा जाता है, इंटर ल्यूकिन या ये IL-6 कहा जाता है। संक्रमण से लड़ने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम, ध्यान देना, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है साइटोकिन नामक प्रोटीन बनाता है। और ध्यान देना, जब हमारी बॉडी संक्रमित अवस्था में आ जाती है तो हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो एक प्रोटीन बनाती है और वह प्रोटीन का नाम है साइटोकिन। कई बार प्रोटीन इतनी ज्यादा मात्रा में बनता है कि ये एंटीजन को एंटीजन के बजाय स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला बोल देता है। यही साइटोकिन स्टॉर्म कहा जाता है। और यही कारण है कि अगर ज्यादा मात्रा में अगर इस तरह की चीजें बनेगा तो रियल में यह एक प्रॉब्लमेटिक होगा जो हमारे लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। इसी के साथ आप देख लेंगे मोनोक्लोनल थेरेपी है। इसी के बाद राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP की शुरुआत 1995 में किया गया था। इसकी शुरुआत की गई है केंद्रीय वित्त पोषक योजना जिसका उद्देश्य नदियों को प्रदूषण से रोकना, ये इसका मेन उद्देश्य है, नदियों को प्रदूषण से रोकना। और नदी संरक्षण से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम जो नदियों के कंजर्वेशन के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण की योजना NRCP को राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन यानी NGRBA इसको गंगा नदी बेसिन, इसको नेशनल गंगा रिवर ये बेसिन अथॉरिटी के तहत लागू किए गए। तो ध्यान देना, राष्ट्रीय एंड नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान जो है वह बेसिकली क्या करता है, वह हमारे क्या करता है कि नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए किया जाता है। अब उसके बाद खुले नालों के द्वारा नदी में बहने वाले जो कचरे मल होते हैं उनको प्रोटेक्शंस देना होता है और उनकी दिशाओं को अनुरोध करने के लिए सारी चीजें, ये या उनके जो भी उसमें अगर मल प्रवाह हो रहा है तो उसको प्रोटेक्शंस देने के लिए किया जाता है। या जो नदी तट पर खुले मैदानों में जो शौच करते हैं उसको रोकथाम करने के लिए इस तरीके से, या लकड़ी के प्रयोग से संरक्षित करने वाले जो शवदान किया जाता है यानी कि विद्युत से, या फिर क्या होता है लकड़ी से जलाया गया जो लाश होती है उस पे क्या होता है कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रॉपर वे में मैनेज करने के लिए यह नेशनल राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्रोग्राम चलाया गया है। उसमें सबसे पहले नदी, आप देखेंगे कि नदी घाटों के लिए क्या किया जा सकता है, स्नान घाटों को सुधार जैसी नदी तटाग्र के विकास करना, उसके स्थान और उसके जो भी नदी का किनारा उसको डेवलप करना, जन जागरूकता और जन सहभागिता की सहायता से उनको पूरी प्रोटेक्शंस देना, नदी संरक्षण के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास,
एचआरडी क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण एवं अनुसंधान किया जाना चाहिए। अन्य गतिविधियां कार्य जो मानव आबादी के साथ साथ संपर्क सहित स्थान एवं विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर करता है उस पर प्रॉपर प्रोटेक्शन देने की बात करता है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम योजना। अब ये देविका नदी जो है, ये देविका नदी जो है वो बेसिकली जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में पहाड़ी, ये ध्यान देना, शुद्ध महादेव मंदिर से निकलती है। तो ध्यान देना, महादेव से निकलती है, पश्चिमी घाट पंजाब और पाकिस्तान की ओर बहती है और यह रावी नदी में मिल जाती है। तो ये रावी नदी की रीजनल ट्रिब्यूटरी है। नदी का धार्मिक महत्व इसलिए है क्योंकि हिंदुओं द्वारा गंगा नदी की बहन के रूप में इन्हें मान्यता है। तो देविका जो नदी है वो गंगा नदी की बहन के रूप में है। जून 2020 में उधमपुर में देविका पुल का उद्घाटन किया गया और इस पुल का निर्माण का उद्देश्य यातायात की भीड़ की निपटने के अलावा सेना के काफिले के वाहनों को सुगम मार्ग उत्पन्न कराना ताकि वो जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। इसी के साथ अगर हम बात कर लें कि देविका जो नदी है वो बेसिकली पहाड़ी शुद्ध महादेव मंदिर से निकलती है और इसे गंगा की बहन के नाम से जाना जाता है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में यह दिया गया। तो ध्यान देना, उधमपुर में ये यहीं से निकलती है और इसी जगह से ये देविका जो नदी है वो बेसिकली रावी नदी में आके मिल जाती है और इसी पर एक परियोजना बनाया गया है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पे मान्यता दिया है। इसकी परियोजना 190 करोड़ की है। 2019 में ये नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, ये ध्यान देना, कंजर्वेशन प्लान जो कहा गया इसके अंदर के योजना या काम शुरू किया गया। इस परियोजना में सबसे पहले स्नान घाट स्थल को विकसित किया जाएगा, जो इसके अगल बगल अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा। ये ध्यान देना, प्राकृतिक जल निकायों को पुनः स्थापित किया जाएगा और जो श्मशान भूमि है जहां लाश जलाई जाती है उसके साथ जल ग्रहण क्षेत्र को विकसित किया जाएगा ताकि प्रॉपर वे में उनका प्रॉपर क्या हो सके, कंजर्वेशन हो सके, संरक्षण किया जा सके। देविका रानी, ये देविका नदी परियोजना जो है इनमें 3 ट्रीटमेंट सीवेज बनाए जाएंगे। ये ध्यान देना, 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये कि 129.7 किलोमीटर का सीवरेज नेटवर्क, 2 शमशान घाटों को विकास किया जाएगा, सुरक्षा और बाढ़, ये लैंडस्केपिंग, छोटे जल विद्युत संयंत्र और 3 सोलर पावर प्लांट भी बैठाए जाएंगे। इस परियोजना के अंतर्गत आप ध्यान देना कि ये 129.27 किलोमीटर का सीवरेज सिस्टम बनाया जाएगा और परियोजना का पूरा होने के बाद नदियों के प्रदूषण में काफी कमी आ जाएगी, जल की गुणवत्ता क्या होगी में काफी सुधार हो। तो इससे मल्टी डायमेंशनल हमें प्रॉफिट होगा। एक तो आवागमन के साधन विकसित होंगे, नदियों का जल सुरक्षित होगा और प्रॉपर वे में सारे नेटवर्क रूप में डिफाइन होंगे ताकि वहां का उस रीजनल क्षेत्र में टूरिज्म बढ़ेगा और तमाम तरह के क्या होगा, रेवेन्यू जनरेशन के एक अलग से जरिया बनेगा। अब हम लोग चलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के विषय में देखते हैं और इसके विषय में जब हम लोग देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है ये 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि के हिस्से के रूप में बनाया गया और यह इसे कहा जाता है कि यह शांति के तरफ और लोगों में सामाजिक न्याय पर आधारित था। 1946 में यूएनओ, ये जो ध्यान देना संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गई और यह एक त्रिपक्षीय, ये जो ट्राई ऑर्गेनाइजेशन है और अपने कार्यकारी निकायों को सरकारों, ध्यान देना सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों के प्रतिनिधित्व का क्या करता है, प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है। भारत आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक सदस्य और उसमें आज के डेट में कुल 187 सदस्य हैं। 2020 में भारत ने आईएलओ को शासी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की है और ध्यान देना ये एग्जीक्यूटिव निकाय का क्या है कि उसकी सदस्यता भी अध्यक्षता ग्रहण किया है। अब आप देखेंगे कि ये देश पूरा जो मैप देख रहे हैं, इस मैप में आप देखेंगे कि लगभग सभी देश, इस मैप में आप देखेंगे कि लगभग सभी देश जो है वो हमारे आईएलओ के क्या है, मेंबर्स हैं।
और ILO के मेंबर होने के साथ साथ आप देखेंगे कि इसका मुख्यालय जो है वो बेसिकली कहां है, ये जिनेवा में है। जिनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड में। इसको 2000, ये ध्यान देना, इसको पुरस्कार 1969 में ILO जो है इसके भाईचारे और शांति के संदेश को बढ़ावा देने के लिए एवं श्रमिकों को बेहतर काम में न्याय प्रणाली को स्थापित करने में विकासशील और विकसित देशों के लिए ये तकनीकी सहायता उत्पन्न कराने के सहायता प्रदान करने के लिए ये नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये है 1969 में ILO का क्या किया गया है कि इसको नोबेल शांति का पुरस्कार भी दिया गया है। और वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेड्स रिपोर्ट्स, या बेसिकली आप अगर देखोगे तो यह ILO के द्वारा जारी किया जाता है। ये वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स रिपोर्ट 2000 जारी किसने किया? ILO ने किया। 2020-21 में बेरोजगारी दर जो होता है 6.3% है, जो कि अगले वर्ष 2021-22 में गिरकर क्या हो जाएगा? 5.7% हो जाएगी। किंतु तभी भी यह पूर्व महामारी 2019 यानी 5.4% से अधिक होगी, जो कि 2019 में 5.4 था और ये 2021-22 में 21-22 में ये 5.7। महामारी ने श्रम बाजार को मौजूदा असमताओं को बढ़ा दिया है, जिसमें कम कुशल श्रमिक, महिलाएं, युवा, प्रवासी सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। तो COVID-19 से आप देखिए तो सबसे ज्यादा प्रभावित यही लोग हुए हैं। अब COVID-19 का प्रभाव की अगर बात करते हैं तो लगभग 100 मिलियन से अधिक श्रमिक गरीबी के दुष्चक्र में, यानी गरीबी साइकिल में, पॉवर्टी जो साइकिल है उसमें पूरी तरीके से इसके चपेट में आ चुके, इनके आगोश में आ चुके। महामारी के कारण बस के अंत तक 75 मिलियन नौकरियों की कमी की संभावना है। 2019 के सापेक्ष अनुमानित अगर देखा जाए तो 108 मिलियन श्रमिक अब तक अत्यंत मध्यम गरीब थे, जिसका अर्थ है कि क्रय शक्ति में समानता के संदर्भ में ऐसे लोग और उनके परिवार सदस्यों को प्रतिदिन 3.2 अमेरिकी डॉलर या निम्न मध्यम आय वाले देशों के लिए विश्व बैंक के गरीबी रेखा से कम यापन करना। तो आप देख सकते हो कितने, ये 3.2 अमेरिकी डॉलर से कम होगा और 108 मिलियन श्रमिक होंगे जिनकी स्थिति काफी दयनीय होगी। अब गरीबी दर जो है तेजी से वृद्धि होने से हुआ क्या है कि काम के घंटे जो है ये बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है जो लॉकडाउन से किया गया है। अधिकांश लोगों की नौकरी छूट गई है और उनकी आय में कमी आई है। गरीबी के उन्मूलन के दिशा में बीते 5 वर्षों में की गई समग्र प्रगति व्यर्थ हो गई, क्योंकि गरीबी दर अब 2015 के स्तर पर वापस चली गई। तो जो हमने 5 वर्षों में जो अचीव किए थे वो फिर से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है? जीरो हो गया है। विस्थापन जो हो गया है वो जीरो हो गया है, यानी गरीबी जहां जो कम करने की हम बात कर रहे हैं फिर अपने वही उसी स्थान पर है। कार्य समय का नुकसान की अगर हम बात करें तो कार्य समय के नुकसान 2020 में वर्ष 2019 के चौथी तिमाही तुलना में वैश्विक कामकाजी घंटों को 8.8% का नुकसान हुआ, जो कि 2.5 मिलियन पूर्णकालिक रोजगार के समान है। आप ध्यान दे सकते हैं 255 मिलियन जो पूर्णकालिक रोजगार के समान है। यह स्थिति सुधार हुआ किंतु वैश्विक काम के घंटों में बढ़ोतरी होने में अभी काफी समय लगेगा और विश्व में अभी भी इस वर्ष के अंत तक 100 मिलियन पूर्णकालिक नौकरियों के बराबर नुकसान होने की आशंका है। तो ILO ने जिस तरीके से यह रिपोर्ट तैयार किया, आने वाले दिनों में रियल में काफी प्रॉब्लम होने वाला है, जिससे महिलाओं की बेरोजगारी दर में भी काफी परिवर्तन हुआ है, अवैतनिक कार्य के समय में वृद्धि हुई और उन्हें अनुपातहीन रोजगार के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं एवं बच्चों को देखभाल और होम स्कूलिंग गतिविधियां असमान बोझ पड़ा है। नतीजन क्या हुआ है? पुरुषों 3.9% की तुलना में महिलाओं के लिए रोजगार में 5% की गिरावट आई है। तो ये 5% की गिरावट देखी गई है। उसके बाद अगर श्रमिकों की बात करते हैं तो श्रमिकों और उद्यमों में महामारी के दीर्घकालिक प्रभाव देखने को मिले हैं। इसे देखते हुए अनुमानित ये कहा भी जा सकता है कि महामारी के कारण काफी संकट उत्पन्न हुआ है और इस नुकसान के लिए क्या हो गया, अगर प्रॉपर ये जो प्रॉपर नीतिगत
फैसलों की या प्रयासों की आवश्यकता है। रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि विकासशील देशों के लिए टीकों और वित्तीय सहायता की वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करने की सिफारिश की गई है, जिसमें ऋण पुनर्गठन और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को क्या किया जा सके, बढ़ावा मिल सके, जिससे लोगों में जो दुष्चक्र में फंसे हुए या जिस गरीबी के आगोश में जो आ चुके हैं उसको रिड्यूस किया जा सके। इसी के साथ मैं आपसे कहूंगा कि यह करंट अफेयर का समरी था। इससे मैं उम्मीद करूंगा कि आप प्रॉपर वे में क्या करेंगे, इसको समझेंगे और अच्छे तरीके से इसको एनालिसिस भी करेंगे। मैं विनय सिंह आप लोगों के सामने विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।